आज की वीडियो थोड़ी अलग होने वाली है, थोड़ी रोमांटिक, थोड़ी इमोशनल, बहुत सारे फैक्ट्स। यस, पाकिस्तान के बारे में हम कुछ चीज़ें जानने वाले हैं जो हम शायद हम में से बहुतों को पता नहीं है, अगर पता है तो भूल चुके हैं, क्योंकि ऐसे इमोशनल तार तो जुड़े हुए हैं। आखिर पाकिस्तान निकला तो भारत से ही है ना। तो देखते आज की मिक्स मैसेज रिएक्शन, अमेजिंग फैक्ट्स अबाउट पाकिस्तान। आपको मिक्स सेक्शन में पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? बिल्कुल उम्मीद करता हूँ कि सब बढ़िया होगा। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत स्पेशल होने वाली है, क्योंकि आज हम आपको एक ऐसे देश के बारे में रोचक जानकारियाँ देने जा रहे हैं जो कभी भारत का अंग था। आज का वीडियो इमोशनल हो सकता है, क्योंकि इस देश के लोग कभी हमारे भाई हुआ करते थे। साथ में मिलकर हमने अंग्रेजों से आजादी पाई, लेकिन किसी की नजर दोनों भाइयों पे पड़ गई कि उसके बाद हमारे रास्ते अलग हो गए। आज हम बात उस देश की करेंगे जहाँ पर कभी एक ही चूल्हे में सबके लिए खाना बनता था, लेकिन आज न तो दोस्ती का वो चूल्हा रहा और न ही गर्मजोशी की वो आग रही। आज बात उस देश की करेंगे जो कभी हमारा भाई हुआ करता था, एक ही माँ के संतान थे, लेकिन आज उनके दिलों में हमारे प्रति इतनी नफरत है कि उसे शांत करने के लिए दुनिया के तमाम सागर कम पड़ जाएं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के। जी हाँ, वही पाकिस्तान जो कभी हिंदुस्तान हुआ करता था, लेकिन समय की ऐसी मार पड़ी कि सब कुछ तबाह हो गया। दो भाई हमेशा हमेशा के लिए अलग हो गए। चाहे आप हिंदुस्तान से इस वीडियो को देख रहे हो या पाकिस्तान से, दिल पे हाथ रख के कहना कि अगर भारत में कुछ बुरा होता है तो आपकी आंखों में आंसू नहीं आते क्या? चलिए दोस्तों, नफरत की दीवार तोड़ने की और दुनिया को दिखाने की कि दो भाइयों को अलग किया जा सकता है, लेकिन भाइयों के मन कभी एक दूसरे के खिलाफ नहीं हो सकते की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें, इस देश का ऑफिशियल नाम है द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। यहाँ की कुल आबादी 22 करोड़ के आसपास है और सबसे ज्यादा पॉपुलेशन के मामले में पाकिस्तान दुनिया का पांचवा सबसे बड़ा देश है। अगर बात की जाए पॉपुलेशन डेंसिटी की, तो पाकिस्तान में 287 लोग पर स्क्वायर किलोमीटर पे मिलते हैं। दोस्तों, इस समय पाकिस्तान एक जवान देश है, क्योंकि यहाँ की औसत उम्र है 22 साल। क्या आपको पता है कि पाकिस्तान दुनिया का वो इस्लामिक स्टेट है जो सबसे पहले न्यूक्लियर पावर बनाने वाला देश बना? 11 से 13 मई के बीच साल 1998 में पाकिस्तान ने पहली बार न्यूक्लियर पावर का टेस्ट किया। आज भी पाकिस्तान इस न्यूक्लियर पावर के दम पे बहुत सारे काम कर रहा है। दोस्तों, दुनिया का अगर सबसे बेहतरीन गांव का खाना आपको खाना है तो आपको एक बार पाकिस्तान की यात्रा पे जरूर जाना चाहिए। यकीन मानिए, यहाँ के खाने का स्वाद ही अलग होता है। आज भी आपको अगर सबसे प्योर दूध और दही का कहीं स्वाद मिलेगा तो पाकिस्तान में ही मिलेगा। यहाँ के गाँव में लोग सरसों का साग और मक्के की रोटी सबसे ज्यादा पकाते हैं। दोस्तों, हो सकता है आपको लगता हो कि पाकिस्तान में तो यहाँ पे शायद कोई हिंदू फैमिलीज ना हो, लेकिन ऐसी बात नहीं है। आपको जानकर खुशी होगी कि इस देश में हिंदुओं की थोड़ी बहुत जनसंख्या है, वो अलग बात है कि वो धीरे धीरे कम हो रही है अलग अलग कारणों से, लेकिन कुछ हिंदू फैमिलीज आज भी इस देश में है। पाकिस्तान में आपको मंदिर भी देखने को मिलेंगे और पाकिस्तान में आपको कीर्तन करते लोग भी देख जाएंगे। यहाँ चर्च भी है, इस देश में दिवाली भी मनाई जाती है और क्रिसमस भी। क्या आपको पता है कि पाकिस्तान का वो कौन सा हिंदू खिलाड़ी है जिसने इस देश को इंटरनेशनल लेवल पर रिप्रेजेंट किया? ये है अनिल थापर, ये विकेटकीपर बल्लेबाज थे। उसके बाद दानिश कनेरिया के बारे में भी आपने सुना होगा, पाकिस्तान क्रिकेट के सबसे अच्छे लेग स्पिनर। ये भी हिंदू फैमिली से ही आते हैं जिन्होंने पाकिस्तान का नाम ऊंचा किया। दोस्तों, क्या आपने हुंजा वैली का नाम सुना है? ये पाकिस्तान में ही है। आपको बता दूं कि दुनिया के कुछ लोग जो सबसे ज्यादा सालों तक जिंदा रहे हैं वो इसी प्रांत से आते हैं। कहते हैं कि दुनिया में सब स्विट्जरलैंड का नाम लेते हैं, लेकिन हुंजा वैली भी किसी से कम नहीं है। ये हद से ज्यादा खूबसूरत है और यहाँ के लोग जिस तरह से जीते हैं वो काबिले तारीफ है, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ नेचर का दिया हुआ है और लोग भी सब नेचुरल चीजें ही खाते हैं। दोस्तों, वो बात अलग है कि इस देश में फुटबॉल दूर दूर तक नहीं खेला जाता है, कोई हीरो भी नहीं है फुटबॉल में इस देश में, लेकिन दुनिया में सबसे ज्यादा फुटबॉल बनाने का काम इसी देश में होता है। सियालकोट का नाम आपने सुना होगा, यहीं से दुनिया के अलग अलग देशों में फुटबॉल बनाकर भेजते हैं। यहाँ पर आज भी फुटबॉल को हाथों से सिला जाता है। दोस्तों, दुनिया का सबसे लंबा पत्थरों की मदद से बनाया गया हाईवे पाकिस्तान में देखने को मिलता है। इस हाईवे का नाम है द काराकोरम हाईवे। खूबसूरत हाईवे है और यहाँ पर गाड़ी चलाने का अपना अलग ही मजा है। कहते हैं कि यहाँ के युवा छुट्टियों में इसी रोड पे मस्ती मारने निकल जाते हैं। क्या आपको पता है कि सबसे ज्यादा सजी हुई बस और ट्रक भी आपको यहीं देखने को मिलता है? खासियत है यहाँ पर आपको एक से बढ़कर एक खूबसूरत बसें दिखेंगी जिन्हें दुल्हन की तरह सजाया जाता है। यह ट्रक्स को देखने के बाद आपको लगेगा कि वाकई में ये काफी अलग है, ऐसा सजाया जाता है मानो आज ही ट्रक की शादी हो। इसे ये देखता है कि यहाँ के लोगों को रंगों से कितना प्यार है। जब बात प्यार की हो रही है तो आपको बता दूं कि यहाँ के लोगों को सबसे ज्यादा प्यार है रोमांटिक वेबसाइट्स देखने से। क्या ही कहा जाए, युवा देश है और युवा थोड़े भटक गए, यही वजह है कि पाकिस्तान इस मामले में पूरी दुनिया में बदनाम है। कहते हैं कि यहाँ पर बी ग्रेड सी ग्रेड फिल्मों की हीरोइनों को ज्यादा पसंद किया जाता है। दोस्तों, आजकल पाकिस्तान का बेस्ट फ्रेंड चाइना बना हुआ है। वही चीन जो कि अपने लोगों को नहीं छोड़ता है,
वो है पाकिस्तान का सबसे अच्छा दोस्त। ये मुझे लेकिन जानते हैं कि ये सिर्फ बात दोस्ती की नहीं है, ये बात है चीन के शातिर सोच की। आज के दिन में पाकिस्तान की गरीबी का ऐसा मजाक बना रखा है चीन ने कि पूरा का पूरा पाकिस्तान ही चीन का गुलाम बनकर रह गया है। चीन के कर्ज तले पाकिस्तान इतना दब चुका है कि अब ये चाह कर भी उठ नहीं सकता। पाकिस्तान के लोग बड़े भोले भाले भी होते हैं। कैसे, हम बताते हैं। दोस्तों कुछ समय पहले की ही घटना है, चीन से फैली बीमारी पाकिस्तान में भी आ गई थी। अब यहाँ के लोगों को मास्क की जरूरत पड़ी तो इन्होंने ऑर्डर दिया चीन को मास्क बनाने के लिए। जानते हैं चीन ने क्या किया? इन्होंने पाकिस्तानी लोगों के लिए यूज किए हुए कच्चे और अंडरगार्मेंट्स का मास्क बनाकर पाकिस्तान को भेज दिया। ऐसा धोखेबाज, ऐसे धोखेबाज देश के साथ दोस्ती करता है पाकिस्तान। अब जाहिर सी बात है फिर ये सब होना तो तय है ना। आपको पता है कि वो दुनिया का पहला गेंदबाज कौन सा है जिसने वनडे और टेस्ट मैचेस दोनों में ही 400 विकेट हासिल किए हो? जी, ये पाकिस्तानी लेजेंड है जिनका नाम है वसीम अकरम। कमाल के बॉलर थे वो। आज भी अपनी बॉलिंग स्किल्स पाकिस्तान के गेंदबाजों को सिखाते हैं। क्या आपको पता है कि इस देश के नाम का मतलब क्या है? बता दें कि पर्शियन और उर्दू में पाकिस्तान का मतलब होता है वैसा स्थान जहाँ की जमीन पवित्र हो। लेकिन क्या वाकई में पाकिस्तान की जमीन पवित्र है? थोड़ा मुश्किल सवाल है, क्योंकि कुछ ऐसे लोग भी हैं इस देश में जो कि सीधे साधे पाकिस्तानियों को गलत राह में ले जाने का काम कर रहे हैं। कुछ ऐसे नेता भी हैं जो यहाँ के लोगों के मन में आग लगाने का काम करते हैं, जो नफरत की राजनीति करते हैं। दोस्तों पाकिस्तान के दो नागरिकों को नोबेल प्राइज मिल चुका है। यह है मलाला यूसुफजई, जिन्हें साल 2014 में ये अवार्ड मिला था, और दूसरे हैं अब्दुल सलाम, जिन्हें फिजिक्स के लिए नोबेल प्राइज मिला था साल 1979 में। दोस्तों दुनिया का सबसे ऊंचा एटीएम भी पाकिस्तान में ही है। ये हुंजा वैली पे लगाया गया है। इसकी ऊंचाई है 16,007 फीट। ये पाकिस्तान के नेशनल बैंक का एटीएम है। दोस्तों पाकिस्तान में ही आपको दुनिया की सबसे ओल्डेस्ट सिविलाइजेशंस में से एक देखने को मिलती है, जिसका नाम है मेहरगढ़। कहते हैं कि ये सिविलाइजेशन 6000 BC पुरानी है। आज भी यहाँ इनके अवशेष देखने को मिलते हैं। दोस्तों इस बात में कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान की हालत इस समय ठीक नहीं है। यहाँ पर कई तरह के गैंग्स एक्टिव हैं, जो कि यहाँ की सरकार के नीचे काम करते हैं। यही वजह है कि इस देश को सबसे खतरनाक देशों की सूची में 8वें पायदान पर रखा गया है, जो इस देश के लिए कतई अच्छी बात नहीं है। दोस्तों वो कहते हैं ना कि जब आप दूसरों के साथ गलत करने की कोशिश करते हैं तो आपको ही सबसे ज्यादा नुकसान उठाना पड़ता है। इस देश के साथ भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला है। इन्हें भी खूब नुकसान उठाना पड़ा है। जानते हैं कैसे? पाकिस्तान में कोई भी बाहर से टूरिस्ट नहीं आना चाहता, जबकि यहाँ कई सारी ऐसी चीजें हैं जो कि आपको कहीं और देखने को शायद न मिले। लेकिन यहाँ के कुछ संगठनों ने इस देश का माहौल इतना खराब रखा है कि पूछिए ही मत। इसी वजह से आज के दिन यहाँ पर टूरिस्ट नहीं आते। दोस्तों पाकिस्तान की ऑफिशियल लैंग्वेज उर्दू है। यहाँ पर हर जगह उर्दू ही यूज करते हैं। बता दें इसी उर्दू की वजह से पाकिस्तान के दो टुकड़े हो गए, जिसकी वजह से बांग्लादेश आज एक अलग देश है। ये बात 1971 की है। बांग्लादेश को उस समय ईस्ट पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था, और वहाँ के लोगों को इस बात के लिए फोर्स किया जा रहा था कि आप भी उर्दू अपना लो। लेकिन वहाँ की जनता बांग्ला को अपना भाषा मानती थी। इसी मुद्दे पर ईस्ट पाकिस्तान की लड़ाई हो गई वेस्ट पाकिस्तान से, और बाद में हिंदुस्तान ने ईस्ट पाकिस्तान की मदद की, और वेस्ट पाकिस्तान ने कुछ ही समय बाद भारत के सामने घुटने टेक दिए। अब समझिए कि एक भाषा की वजह से देश बदल गया। दोस्तों पाकिस्तानी महिलाओं को बहुत ही खूबसूरत माना जाता है। यहाँ की लड़कियाँ बहुत ही अट्रैक्टिव होती हैं, और सबसे अच्छी बात यह है कि इनका नेचर भी बहुत अच्छा होता है। हालांकि इन्हें यहाँ बहुत ज्यादा आजादी नहीं मिलती, और आज भी अपने अधिकारों के लिए इनको स्ट्रगल करना पड़ता है। लेकिन यहाँ के कुछ एक्ट्रेसेस हैं जो अच्छे खासे लेवल पे बॉलीवुड में काम कर चुकी हैं। दोस्तों पाकिस्तान के लोग इंटरनेट के बिना रह ही नहीं सकते। यहाँ पर दुनिया का 4th सबसे बड़ा इंटरनेट ब्रॉडबैंड सिस्टम है। लोगों के लिए इंटरनेट लाइफलाइन है, क्योंकि भाई इन्हें टाइम पास करने के लिए मोबाइल पूरे टाइम चाहिए होता है। दोस्तों पाकिस्तान में इतना नॉनवेज खाया जाता है कि अगर आप नॉनवेज ईटर हैं तो आप अपना वजन यहाँ से बढ़ा के ही वापस आएंगे। लाहौर की बात की जाए या कराची की, यहाँ पे जम के नॉनवेज खाया जाता है। यहाँ के मार्केट्स में एक से बढ़कर एक स्ट्रीट फूड खाने को मिल जाता है। पाकिस्तान के लोग बहुत ही अच्छे होते हैं गानों के मामले में। यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे भी कमाल का गाते हैं। कई बड़े बड़े सिंगर्स को तो आपने बॉलीवुड में गाते हुए सुना ही होगा, लेकिन आपको बता दें कि कुछ लोकल सिंगर्स भी कमाल का गाते हैं, जिनका टैलेंट आपको पाकिस्तान में देखने को मिलेगा। इस देश में पाकिस्तानी रुपया करेंसी के तौर पर चलता है, और यहाँ का 1 रुपया इंडिया के 50 पैसे के बराबर है। बिल्कुल, पाकिस्तान में आप इंडियन रुपए के साथ अमीर हो सकते हैं। तभी तो जो कोई लोग बाहर से पाकिस्तान आते हैं उन्हें लगता है कि ये कितना सस्ता देश है। दोस्तों छूलों का उत्पादन करने में पाकिस्तान भारत के बाद दूसरे नंबर पर है। साथ ही विश्व का पहला पीसी वायरस दो पाकिस्तानी भाइयों ने मिलकर बनाया था। मतलब कमाल का काम करते हैं पाकिस्तान के लोग। आपकी क्या राय है इस देश को लेकर, आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। दोस्तों पाकिस्तान के फिल्म इंडस्ट्री को लॉलीवुड कहा जाता है, जिसमे उर्दू, पश्तो और पंजाबी भाषाओं में फिल्में बनती हैं। हालांकि लॉलीवुड का लेवल बहुत छोटा है, इसलिए ज्यादातर पाकिस्तानी कलाकार बॉलीवुड में काम करने को लालायित रहते हैं। यहाँ के लोगों के बीच में बॉलीवुड एक्टर्स बहुत पॉपुलर हैं।
पाकिस्तान में दोस्तों यहाँ पे सलमान खान की फैन फॉलोइंग हद से ज्यादा है। साथ ही इस देश में इमरान हाशमी के चाहने वाले भी बहुत हैं, क्योंकि उनके गाने बहुत हिट होते हैं पाकिस्तान में। दोस्तों हर साल पाकिस्तान एक चीज से परेशान रहता है और वो है बाढ़ की आपदा। जी हाँ, जैसे हमारे देश के कई स्टेट्स बाढ़ की समस्या से जूझते रहते हैं, वैसे ही पाकिस्तान में भी ये एक बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है। बहुत ही इमोशनल वीडियो थी, एक बार तो वीडियो ने सोचने को मजबूर कर दिया था कि इंडिया और पाकिस्तान एक वक्त भाई थे, एक साथ खाते थे, एक साथ रहते थे, एक साथ पीते थे, पर पाकिस्तान फिर अलग हो गए और फिर फैक्ट्स भी कुछ अलग हो गए कि पाकिस्तान में रोमांटिक मूवीज वो वाली बहुत ज़्यादा देखी जाने लगी। ये मास्क का मुझे लॉजिक समझ नहीं आया, उसके लिए मुझे इंटरनेट पर सर्च करना पड़ेगा कि मास्क के लिए चाइना को ऑर्डर करना पड़ा, तो पाकिस्तान के पास क्या ये मशीन नहीं थी क्या? इतना बड़ा देश है, पता नहीं इसके पीछे कोई ना कोई फैक्ट होगा जो मुझे नहीं पता। इंटरनेट पर सर्च करना पड़ेगा कि मास्क बनाने के लिए चाइना को ऑर्डर करना पड़ा, कमाल की बात है। लेकिन ये यस, एक वक्त थे दोनों भाई थे, लेकिन रिश्ते अलग अलग हो गए थे। आपको आज के वीडियो सेक्शन पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल सब्सक्राइब करना। तो मिलते दूसरी वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।